हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें आप अपने प्ले स्टेशन 4 के कंट्रोलर को अपने घर पे ही ठीक कर सकते हो, वो भी बहुत इजी। सो यू नो, इस टाइप की जो वीडियो अभी तक यूट्यूब ने किसी ने नहीं डाली है। मैंने काफी सर्च करके देखा कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। आप इस वीडियो को देख के अपने कंट्रोलर को इजीली घर पे ठीक कर सकते हो। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं अपनी वीडियोस ऐसे आपको दिखाता रहूं और बनाता रहूं। ये देखिए, ये जो कंट्रोलर है इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, अभी कंट्रोलर बिल्कुल डेड है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। ये प्ले स्टेशन 4 का जनरेशन 1 कंट्रोलर है। इसमें ये बटन मैं दबाता हूँ, ये देखिए पावर का, कोई ही लाइट इसमें शो नहीं कर रही है, कोई बटन इसमें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल डेड है ये। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा इसे आप कैसे ठीक करोगे। मैं आपका ओवरव्यू इसका दूँ, प्ले स्टेशन 4 के जो कंट्रोलर होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो उनके रिबन होती है। रिबन कीपैड का रिबन जो होता है वो 90% केसेस में यही मिलता है कि इसकी जो रिबन है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। और इस वाले केस में भी सेम है। मैं आज आपको बताऊँ कैसे इसको ठीक करेंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम इसके पीछे आप देखोगे 4 स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसको इजी ओपन करते हैं। ये देखिए, मैं इसका ये ये मैंने इसके चारों स्क्रू ओपन कर दिए हैं। प्ले स्टेशन 4 के जो यूएसबी 4 की मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इसे ओपन करोगे स्क्रू खोलने के बाद, ये यहाँ से लॉक होते हैं, इसलिए आप इसको यहाँ से कीजिए, पुश कीजिए, इधर से पुश कीजिए, राइट, देन इसको थोड़ा सा पुश करके इसे बाहर लीजिए, देन इसको पुश करते हुए बाहर लीजिए। और जब इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एक रिबन होती है, आप ये देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से आपको रिबन को हटाना है और ये आपका बाहर निकल आएगा, राइट। ये इसका बैटरी है, इसका हम बैटरी को निकालेंगे। बैटरी केस, ये प्ले स्टेशन 4 का जनरेशन 1 का मदरबोर्ड है। ये बेसिकली आपको जनरेशन 1 में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम रिबन की बात करते हैं तो रिबन इसके बैक साइड में फ्रंट की तरफ होता है, ये प्रॉब्लम वहीं से जनरेट होती है। और मैं आपको रिबन को लगाना बताऊंगा कैसे। आपके पास सबसे पहले बहुत ही केयरफुल तरीके से यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ पुश करें, यहाँ पे देखिए छोटा सा स्क्रू है, ओपन कीजिए। ये इसका बाहर का एक्सटर्नल केसिंग है, इसको मैं अलग रखता हूँ। अब ये देखिए, ये इसकी प्लास्टिक रिबन है, कीपैड रिबन, जिसकी अब जो भी एक्स वाई एरो डाउन पावर सारी की यहीं से फंक्शंस होती हैं। प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो देखिए मैं अब यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसका टचिंग पैड होता है, ये देखिए, ये इसका रिबन का कनेक्टर है। मोस्टली आप देखोगे ना, ये काफी लूज लग रहा है, आपको इसको पुश करके देखो, काफी स्पेस है। तो नॉर्मली होता क्या, जब बोर्ड इसके साथ कनेक्टेड होता है तो कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉपरली मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं है, तो ये भी एक रीजन होता है कि आपका कंट्रोलर डेड हो। बट इस वाले केस में मेरे को वो चीज लग नहीं रही, क्योंकि प्रॉपर ठीक है। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे इसको ठीक करना है। यहाँ पे दो लॉक होते हैं, आप रिबन का देखेंगे,
ये इसके R2 नॉर्मल है, इसके यहाँ पे लॉक होते हैं, इसको कुछ नहीं, आराम से पीछे की तरफ बैक साइड में से कीजिए, इसको अलग हटाइए, देन इसको अलग हटाइए, पीछे की तरफ बैक साइड में इसको पुश करना है और ये आपका आराम से निकल आएगा। सेम केसेस में इसे ऊपर की तरफ पुश करना है, ये भी आपका L1 एंड R1 यू नो निकल आएगा। ये इसकी कार्बन, ये कार्बन है, इसे आप इजी अलग निकाल सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे लॉक लगे हुए हैं, इन लॉक से आप नॉर्मली इसको ऐसे हटाएं। ये देखिए इसकी कार्बन बिल्कुल बाहर आ चुकी है। अब मेरे को पता है कि इसकी जो कार्बन है, आप ये देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए कार्बन, ये ब्लैक जो कार्बन है बिल्कुल ही इरेज हो चुके हैं प्रिंट से, इसमें प्रिंट बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बात करता हूँ कि आपको दूसरी कॉपी मिलेगी कहाँ से इसकी सेम, तो नॉर्मली अमेजन फ्लिपकार्ट पे काफी ऐसे सेलर है जो उसको दे रहे हैं 100, 200, 300 के आसपास, आपको इजीली अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे ये मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो नॉर्मली लाजपत है मार्केट में 100 रुपए के आसपास की मिल जाती है, बट अगर आप नॉर्मल अपने प्लेस्टेशन 4 के डुअल शॉक को 4 को रिपेयर कराने जाते हो, आराम से आपको 1000 से 2000 रुपीज शॉपकीपर आपसे आराम से चार्ज कर देता है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट ओनली 100 रुपीज। मोस्ट यहीं पे कस्टमर और को ठगना शुरू होता है दिल्ली में मेनली। तो ये देखिए मैंने लाजपत राय मार्केट से परचेज की हुई है, सेम की जनरेशन 1 की ये फ्लैप है, इसकी कार्बन देखिए, ये कार्बन की जो प्रिंट है वो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, सेम कॉपी है, आप इसमें लगा देंगे आपका कंट्रोल बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब देखें कैसे लगाते हैं, ये देखिए इसके लॉक है, उसको मैं एक नई रिबन को उसके ऊपर लगाऊंगा, जो लॉक थे पहले वाले सेम उन्हीं लोगों पे पुश करना है, बहुत इजी। कार्बन का इसका है, आप ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको लगा दिया है इसमें, इसकी मोड को वापस लगाते हुए आपको ध्यान रखना है इसकी जो भी रिबन है वो नॉर्मल काम करती रहनी चाहिए, ये इसका है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा जब आप उसको वापस
प्लेस्टेशन 4 ड्यूल शॉक को खोलना और लगाना काफ़ी आसान है। अगर मैं बात करूँ प्लेस्टेशन 3 के ड्यूल शॉक 3 की, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, बट ये काफ़ी ईजी है। आप इसे एक दो बार जब वीडियो को देखें वो ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका प्लेसिंग पे, ये देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पे, जहाँ मैं इसको फिक्स करता हूँ, ये इसके लॉक है। पहले मैं इसको लॉक के थ्रू इसको परमानेंट फिक्स करता हूँ। राइट, इसमें काफ़ी स्पेस मेरे को दिख रहा है। ये देखिए छोटा सा कोई भी कागज़ का ऐसा कुछ टुकड़ा हो उसी के साइज का आप इसके नीचे लगा दो, ताकि जब आप इसके मेन बोर्ड को फिक्स करो उसके ऊपर, तो वो इजी टच में रहे उसके। ये देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखिए ये इसका जो प्रिंट है, ये अल्टीमेटली इसके साथ कनेक्शन में होना चाहिए। अगर ये हल्का से भी लूज हुआ तो इसे कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। अब हम इसको वापस रीअसेंबल करते हैं। जैसे आपने ओपन किया है वैसे इसको फिक्स कर देना है। नॉर्मल रीअसेंबल करने से पहले आप एक बार चेक कर लो कि जो भी आपने बटन फिक्स किए वो कौन करेंगे। जो मिड वाला स्क्रू था आप उसको वापस, ऑल बटन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इसको देखिए, ये इसका टच पैड का फ्लिप है, इसकी आप इजली इसके पीछे इसमें ऐसे लगा सकते हैं। इसकी बैटरी रखिए इसे नॉर्मल, आप इजी से फिक्स करें। ये बैटरी है 3.70 वोल्टेज डीसी के वोल्टेज आउटपुट करती है। नॉर्मल इसको मैं लगाता हूँ। मैं बहुत ही आराम से इसको लगाना है आपको। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये इसके लॉक होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। तो आइए मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा ठीक हुआ है नहीं हुआ, ये मैं पुश करता हूँ बटन। और ये देखिए ठीक हो चुका है मेरा, आपका कंट्रोलर उन्होंने इंडिकेशन दे रहा है वायरलेस कनेक्शन के, जो कि पहले नहीं दे रहा था। तो गाइस मैंने ये कंट्रोल असेंबल कर लिया है, अब मैं इसे चेकिंग करता हूँ। ये देखिए मेन कॉज जो है प्लेस्टेशन 4 का जो अभी तक सामने आया है वो पावर रिबन की कीपैड रिबन की वजह से होता है। कोई भी बटन लाइक एक्स है, ओ है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इवन कोई भी बटन हो अगर आपको काम नहीं कर रहा है, L1, L2 जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सारा कॉज इस कीपैड के उस रिबन का होता है। अब आप मार्केट में जाते हो उसके 500-600 के आसपास, तो आपसे वो चार्ज करता है एज ए सर्विस चार्ज, उसके बाद ये 500-600 रुपए की लगा के आराम से 1500 रुपए चार्ज करते हैं। जबकि इसकी कॉस्ट जो मुझे को भी पड़ी है मात्र 80 रुपए की पड़ी है, 80 रुपए में मैंने अपना कंट्रोलर पूरा ठीक कर लिया। तो आपको बताने का यही है कि आप यार देखो दोस्तों, आप मार्केट में जाओगे अपना कंट्रोलर उसको ठीक कराओगे, ये सब है, ये इजी टेक्निक है। थोड़ा सा अपनी भी नॉलेज गेन होती है कि यार कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और नॉर्मल आप अपनी मनी को बचा भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके PS4, PS3 का अगर एनालॉग खराब होता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट।